हेलो एवरीवन, आई होप पिछला लेक्चर जो आपने देखा था रिवीजन का वो आपको समझ आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप उसी लेक्चर के कमेंट में आप लिखेंगे। ये हमारा रिवीजन नंबर सेकंड है। टोटल हम 9 लेक्चर बनाएंगे रिवीजन के, जो कि सारे अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स के ही होंगे। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन जो हमारा मेजर रहेगा वो हम फॉर्मूलाज देखेंगे और उनकी एप्लीकेशन पार्ट जब आएगा तो किस चीज़ का क्या मतलब है और क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है वो हम देखेंगे। प्लस अगर कोई छोटा मोटा कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा तो हम वो भी ध्यान से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, सबसे पहला प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, प्रेशर और इसका मेजरमेंट देखेंगे। फॉर ऑल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वी हैव टू फाइंड द गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर निकालना, समझाता हूँ अभी। Until and unless absolute pressure is asked, ठीक है, most of the 99% cases में आपसे गेज प्रेशर ही पूछेगा वो। ठीक है, और गेज प्रेशर पे ही हमारे सारे फॉर्मूलाज सारे अच्छे से प्रॉपरली वर्क करेंगे। All negative pressures are taken and considered with the negative signs only, ठीक है। जो absolute pressure है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्लस गेज प्रेशर होता है, और गेज प्रेशर जो आपका है, गेज प्रेशर ये आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देखिए समझाता हूँ, मान लीजिए ये आपका ज़ीरो प्रेशर है। ठीक है, कोई तो डेटम लाइन होगी ना। अब जैसे ही आप, और ये आपकी 1 एटमॉस्फेरिक वाली लाइन है। ठीक है, ये आपकी 1 atm प्रेशर है, 1 atm। ठीक है, इस लाइन के रेफरेंस से जितने भी प्रेशर आप लेंगे, इस लाइन के रेफरेंस से जो भी प्रेशर लेंगे वो आपके गेज प्रेशर कहलाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका जो टेम्परेचर स्केल होता है 0 degree Celsius होता है, इस लाइन के रेफरेंस में आप ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव आपका टेम्परेचर होता है, और इसके नीचे आते हैं तो वो नेगेटिव टेम्परेचर आपका होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा 5 degree Celsius और -5 degree Celsius भी सुना होगा। इसका मतलब है 5 degree Celsius का मतलब है कि 5 degree आप ऊपर आए हैं, और -5 degree Celsius का मतलब है कि आप 5 degree नीचे आए। सिमिलरली पॉजिटिव गेज प्रेशर का मतलब है कि 1 atmospheric प्रेशर से उतना यूनिट आप ऊपर आए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि हमारा प्रेशर किलो पास्कल में हम बता रहे हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक 101.325 किलो पास्कल। अगर मैं कहूँ कि मेरा गेज प्रेशर है 15 किलो पास्कल, इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इससे मैं 15 यूनिट ऊपर आ गया हूँ। ठीक है, ये 15 यूनिट है। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मेरा गेज प्रेशर है इज इक्वल टू -15 किलो पास्कल, ठीक है, इसका मतलब है कि जो एटमॉस्फेरिक लाइन है इससे मैं इतना नीचे आ गया हूँ, 15 यूनिट नीचे आ गया हूँ। ठीक है, अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एब्सोल्यूट तो वही है जो एकदम डेटम से आप बताएंगे। ठीक है, जीरो प्रेशर से जो बता रहे हैं वो एब्सोल्यूट है। तो पहले केस में एब्सोल्यूट प्रेशर तो ये हो गया, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्लस 15। और दूसरा केस एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे, तो दूसरे केस में एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक -15। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमने गेज प्रेशर ऐड किया है, बट जो नेगेटिव गेज प्रेशर होता है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन के साथ हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और कई बार वो ये कहेगा ना, इन केस वो ये कहता है कि अ वैक्यूम प्रेशर ऑफ 15 किलो पास्कल। ठीक है, इसका मतलब भी ये है कि पी गेज प्रेशर जो है वो आपका -15 किलो पास्कल बोल रहा है। ये दो बात है, इन दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, सॉरी, मेरे हिसाब से अब आपको प्रेशर से रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं होगी। 1 atmospheric प्रेशर बार के टर्म्स में इतना होता है। ठीक है, किलो पास्कल के टर्म्स में ये होगा, और मरकरी mm ऑफ मरकरी की अगर बात करें, ये कॉलम होता है। जैसे प्रेशर आपका क्या हो जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ये आपका प्रेशर होता है। इसका कॉलम का मतलब ये होता है कि आपको ये हाइट दे रहा हो। ठीक है, ये हाइट दी है कि मरकरी कॉलम की 760 mm हाइट होगी तो जो प्रेशर आ रहा है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह अलग अलग हो सकता है, तो हमेशा आपको ये जगह ये चीज़ अलग अलग देगा। वो जब भी अलग क्वेश्चन करवाएगा तो अलग टाइप से आपको डेटा देगा। और अगर वाटर कॉलम की बात करें तो 10.3 meter होगा। ठीक है, ये भी क्या है, जब हम डेंसिटी वाटर के लेंगे तब हाइट हम ये डालेंगे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या देखा था,
चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज नेगेटिव ओमेगा. ओमेगा हम क्या लेते हैं, रो जी का मल्टीप्लीकेशन. रो क्या है, जिस फ्लूड में हम ये मेजरमेंट्स कर रहे हैं उसी की डेंसिटी लेनी है. नेगेटिव क्यों आया, ये कह रहा है कि जैसे ये कोई फ्लूड है, उसका फ्री लिक्विड सर्फेस है ये, ठीक है, इससे जितना हाइट कम करोगे प्रेशर उतना ही राइज करता जाएगा. जितना आप हाइट नीचे जाएंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है. तो प्रेशर, चेंज इन प्रेशर पॉजिटिव आ रहा है जब हाइट आप डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है. तो ये नेगेटिव साइन आपका यहाँ आ जाता है. कन्वर्जन ऑफ वन फ्लूड कॉलम टू अनदर फ्लूड कॉलम, ठीक है. जैसे अभी हमने पीछे देखा कि 760 mm Hg आपका 1 atm है और 10.3 मीटर वाटर भी आपका 1 atm है, ठीक है. तो ये कॉलम कैसे कन्वर्ट किया है, देखिए 1 atmosphere प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू रो जी इंटू एच, ठीक है. तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले लिक्विड का रो, ठीक है, इंटू जी इंटू पहले लिक्विड का कॉलम इक्वल टू रो टू इंटू जी इंटू एच टू. सिंपल है, ये आप फॉर्मूला हमेशा यूज़ करेंगे. हाँ, एक और फॉर्मूला आपको देते हैं, एस वन एच वन इज इक्वल टू एस टू एच टू. एस वन कुछ नहीं है, एस जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें किसी ऑयल की, ठीक है, एस ऑयल का, उसका मतलब ये हुआ कि ऑयल की जो डेंसिटी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड कोई फ्लूड. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने वाटर ले लिया, ठीक है, तो हमने किया क्या है, रो जी एच वन वन इज इक्वल टू रो टू जी एच टू, ठीक है, दोनों तरफ किसी स्टैंडर्ड फ्लूड की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया. जी जी कैंसिल हो गया और ये जो रेशियो है इसी को हम एस के टर्म में लिख लेते हैं, एस एस वन एच वन इज इक्वल टू एस टू एच टू, ठीक है. इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, आप सिंपल याद रखेंगे रो वन जी इंटू एच वन इज इक्वल टू रो टू इंटू जी एच टू रहेगा. अब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इन अ स्टैटिक फ्लूड, स्टैटिक फ्लूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फ्लोइंग फ्लूड में आप ये गड़बड़ी मत कर देना इस रिलेटेड क्वेश्चन जब आए. प्रेशर एट अ पॉइंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल डायरेक्शंस. इसका मतलब ये है कि वो जो लिफ्टिंग के जनरली आपके जो क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए ये पास्कल लॉ आपका आया है, ठीक है. तो अगर यहाँ जो प्रेशर डाला हमने, ठीक है, वही प्रेशर हमें यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि पूरे फ्लूड में, स्टैटिक फ्लूड में प्रेशर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा हर एक डायरेक्शन में. अब यहाँ पे जो फोर्स हमने लगाया वो कम लगाया है, क्योंकि फोर्स क्या होगा, प्रेशर इनटू ये छोटू वाला एरिया, और यहाँ जो आउटपुट मिलेगा फोर्स हमें ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि प्रेशर सेम है, वही है, बट आउटपुट एरिया हमने ज़्यादा कर लिया. यही कॉन्सेप्ट आपका लिफ्टिंग मशीन्स में यूज़ होता है, ठीक है. इंक्लाइंड ट्यूब मैनोमीटर जब भी आपका होगा तो उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी 1/sin θ से, ठीक है. मतलब कि आपका एक लिम्ब वर्टिकल है और दूसरा किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, ठीक है. तो इसके सेंसिटिविटी आपकी इंक्रीज कर जाती है इस फैक्टर से 1/sin θ. चलिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस देखते हैं कैसे निकालते हैं. सबसे पहला देखिए, एक तो दो है, एक तो फ्लैट सरफेस पे, कर्व सरफेस पे. फ्लैट हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस आपका फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, और कर्व सरफेस पे. फ्लैट सरफेस पे देख लेते हैं सीधा, कर्व सरफेस पे भी दो आपके होंगे, एक तो दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक आपका वर्टिकल फोर्स. तो ये सारे फोर्सेस हमें अभी देखने वाले हैं. हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फ्लैट सरफेस, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपका, ओमेगा ए एक्स बार. समझते हैं इसमें क्या क्या है. आपका जो ओमेगा जो है, ये W जो है आपका रो इंटू जी का प्रोडक्ट रहता है, ठीक है. रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में आपने सबमर्ज किया है या फिर जिस फ्लूइड के सामने गेट लगाया है, जो फ्लूइड आपने रोका गया है, जो या फिर जो फ्लूइड जो फोर्स लगा रहा है, जो अवेलेबल फ्लूइड है उसकी डेंसिटी लेनी है ये, ठीक है. एरिया आपका एरिया ऑफ द प्लेट है, ठीक है. फ्लैट सरफेस मतलब कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, जो भी देखा आप एरिया इजीली निकाल लेंगे. एफ क्या आपका नेट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है. मान लीजिए अगर ये आपका फ्री लिक्विड सरफेस है और इसमें ये आपकी प्लेट है, ठीक है, तो इस प्लेट पे, इस प्लेट का परपेंडिकुलर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स है ये, ठीक है. एक्स बार, एक्स बार आपका है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री लिक्विड सरफेस. मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो ये डिस्टेंस एक्स फ्री लिक्विड सरफेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट सरफेस कितना डेप्थ पे है, ठीक है, वो आपका एक्स बार है.
एच, एच आपका होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस लेते हैं, समझते हैं ये क्या होता है। देखिए मान लीजिए ये आपका फ्री लिक्विड सरफेस है और प्लेट आपकी यहाँ पे है, ठीक है, डेप्थ उसकी अंदर की तरफ है, ठीक है, तो जो एक्स है वो क्या है, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर, प्लेट का ज्योमेट्रिक सेंटर तो आपका एक्स हो गया, ठीक है, बट यहाँ पे प्रेशर मान ले ये प्रेशर इतने यूनिट का है, ठीक है, यहाँ प्रेशर और बढ़ गया क्योंकि डेप्थ बढ़ गई है और यहाँ प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, तो प्रेशर कुछ लीनियरली इम्प्रूव कर रहे हैं नीचे नीचे जब जा रहे हैं, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि किस डेप्थ पे मैं प्रेशर अज्यूम करूँ कि मेरा नेट फोर्स हम एप्लीकेशन निकाल सकें, ठीक है। आप एक टाइप से ये भी कह सकते हैं कि ये वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसके ऊपर का ये जो एरिया है और नीचे वाला जो एरिया है उसको हाफ में डिवाइड कर रही है, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप जो निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे, आई जी, ठीक है, आई जी क्या है आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ग्रेविटेशनल सेंटर, ठीक है, इसके अबाउट, इस पॉइंट के जहाँ आप एक्स मेजर कर रहे हैं उसके अबाउट इसका जो आई होगा वो आप लेंगे, ठीक है, इंटू साइंस स्क्वायर थीटा। साइंस स्क्वायर थीटा क्या है, जिस एंगल पे आपकी प्लेट इंक्लाइंड होगी, ठीक है, ये एंगल थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स बार, एक्स बार हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्लस एक्स बार, ठीक है, तो ये डेप्थ जो आपकी आती है ये एच होती है, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो ये आपका फोर्स आया है ये इस डेप्थ पे लग रहा है, ठीक है, तो जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो एप्लीकेशन जब फोर्स आपका लग रहा होगा कहीं ना कहीं हिंज पॉइंट के अबाउट वो टॉर्क क्रिएट करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने ये फोर्स निकाला है वो किस पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है। और जो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार है फॉर ऑल ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल, फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपका एंगल का, ठीक है, फ्लैट सर्फेस के लिए बात कर रहे हैं। चलिए वैल्यू ऑफ एच देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड केसेस के लिए, क्योंकि गेट के एग्जाम में आप निकालने नहीं बैठेंगे, सीधा सीधा आप याद करेंगे, हाँ इसको आप सॉल्व भी करेंगे, इन चारों फिगर के लिए आप इंडिविजुअली जो हमने फॉर्मूला देखा है एच के लिए, एच इज इक्वल टू आई जी साइन स्क्वेयर थीटा बाय ए एक्स बार प्लस एक्स बार, ये फॉर्मूला यूज़ करके चारों फिगर के लिए निकालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि एच की वैल्यू यही आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम कोई डाउट आती है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे। चलिए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन कर्ड सर्फेसिस, सबसे जब जो कर्ड सर्फेस है उस पर दो कंपोनेंट आएंगे, एक पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट समझते हैं, इट इज़ इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया एंड दिस फोर्स एक्ट एट द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एरिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका फ्री लिक्विड सर्फेस है, ठीक है, और ये आपकी प्लेट है या फिर कोई कर्व सरफेस है, मान लीजिए पहले प्लेट है, तो ये कह रहा है कि इस पे इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लीजिए, ठीक है, तो वर्टिकल प्रोजेक्शन ये हो गया, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा, तो इस वर्टिकल और इसकी कुछ डेप्थ होगी, ठीक है, तो वही डेप्थ इसकी आ जाएगी, तो इस पे जितना एरिया इस पे जो फोर्स लगेगा ओमेगा ए एक्स बार, ठीक है, वही आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और उसका वो किस पॉइंट पे लगेगा वो एग्जैक्टली जो एच आप निकालते हैं वही फिर से सेम एच निकालेंगे, ठीक है। ये तो प्लेट का केस हुआ, अगर प्लेट जनरली आपका कर्व सरफेस में नहीं देगा, आपका मान लीजिए सिलेंडर दे दिया, ठीक है, सिलेंडर है, इस पे पूछा कि एक फेस पे इस तरफ से कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप सिंपली इसका प्रोजेक्शन देखेंगे, प्लेट का प्रोजेक्शन इमेजिन करिए कैसा आएगा। अगर आप एक सिलेंडर को एक साइड से देख रहे हैं तो उसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर पे जो फोर्स जो आएगा आपका जो हम निकाले थे एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू ए एक्स बार, ठीक है, वही आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वो लग किस डेप्थ पे रहा है, एच पे, जो इसका सेंटर ऑफ प्रेशर आता है ये प्रोजेक्टेड एरिया का, ठीक है, एच पे, ठीक है। दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट, इट इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड कंटेन्ड बाय द कर्व्ड सरफेस टिल द फ्री लिक्विड सरफेस, दिस विल एक्ट एट द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी का केस लेते हैं,
इस सरफेस पे अगर फोर्स निकालने हैं, वर्टिकल फोर्स कितना है, ऑफ कोर्स इस पे वेट पड़ रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो इस सरफेस के वर्टिकली अबाव जितना भी लिक्विड है, ठीक है, ठीक है, तो इस जिस सरफेस पे हम वर्टिकल फोर्स निकालेंगे उसके ऊपर जो लिक्विड रहेगा उसमें जितना टोटल वेट है वही हमारा वर्टिकल फोर्स होगा, ठीक है। वेट जो अगर आपका मान लीजिए सरफेस ऐसा है, ठीक है, एक बाउल टाइप है, तो इस बाउल में जितना फ्री लिक्विड सरफेस तक, ये मान लीजिए फ्री लिक्विड सरफेस था आपका, फ्री लिक्विड सरफेस तक जितना आपका फ्लूइड का वेट आया, ठीक है, वही आपका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, रो इंटू जी इंटू वी, वी क्या है, ये वाला वॉल्यूम जो इस सरफेस के ऊपर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया, ये वर्टिकल फोर्स आ गया। एरिया आपको पता ही है, एरिया ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन जो बता दिया था, एक्स सेंट्रोइड डिस्टेंस है ऑफ द प्रोजेक्टेड एरिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालेंगे तब। सेंट्रोइड ऑफ सेमी सर्कुलर सेक्शन इज 4r/3π, ठीक है, फ्रॉम इट्स सेंटर। ये कई बार न्यूमेरिकल में आपका यूज होगा, जनरली क्वेश्चन में मिल जाता है, बट अगर नहीं मिलता तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बॉयंसी एंड फ्लोटेशन का देखते हैं। देखिए बॉयंसी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका कितना वर्टिकल फोर्स किसी भी सबमर्ज बॉडी पे लगेगा, ठीक है। सिंपल से शब्दों में समझते हैं, ये भी कोई एक्स वाई जेड बॉडी है, ठीक है, सिलेंड्रिकल मान लो, तो जितना वॉल्यूम इसका नीचे है, मान लीजिए ये वॉल्यूम स्मॉल वी है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जितनी जगह इसने फ्लूइड की ले ली, तो बॉयंसी का जो फोर्स आपका वो क्या हो जाएगा, रो इंटू रो एफ, जो ये डेंसिटी आपकी बॉडी की नहीं है बल्कि जो फ्लूइड है, फ्लूइड की डेंसिटी है, ठीक है, फ्लूइड की डेंसिटी इंटू जी इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम इसका फ्लूइड के अंदर है बॉडी का, वो वॉल्यूम, बस ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फॉर फुली सबमर्ज बॉडी, अगर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी इज अबाव सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मतलब कि अगर फुली सबमर्ज है, मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है जो कि फुली सबमर्ज है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी आपका इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, ठीक है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होता है, जितना आपका फ्लूइड में डूबा हुआ है पार्ट है, उस पर्टिकुलर पार्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी होती है। बट जब आपका फुली सबमर्ज हो गया इस पर्टिकुलर उसमें, और आपकी यूनिफॉर्म आपकी ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए बी भी आपका यही पॉइंट हो गया। बट अगर इन केस ये नहीं होता, आपका फिगर कुछ ऐसा होता कौन टाइप का, ठीक है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बोयंसी कुछ डिफरेंट आ सकता था, या फिर अगर आपका अगर इन केस आपकी फिगर कुछ ऐसा है जिसमें बी और जी डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे आ रहे हैं, तो अगर सेंटर ऑफ बोयंसी आपकी ग्रेविटी से ऊपर रहती है तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। रीज़न क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका सेंटर ऑफ बोयंसी है, बोयंस फोर्स ऊपर लगता है और ग्रेविटी फोर्स नीचे लगता है, ठीक है। अगर इस एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट किया, ठीक है, ये बॉयंसी का सेंटर है, ये ग्रेविटी का सेंटर है, तो ये ऊपर की तरफ पुश करेगा और ये नीचे जाएगा, तो ऑफ कोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमा के फिर से वर्टिकल कर देगा, ठीक है, तो फिर से वो स्टेबल उसमें आ जाएगा। दूसरा देखते हैं, फॉर फ्लोटिंग बॉडीज मेटासेंट्रिक हाइट मेटासेंट्रिक पॉइंट शुड बी अबाउ जी फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझते हैं इस चीज़ को, थोड़ा सा खाली एरिया, हाँ यहाँ समझाता हूँ। ये मान लीजिए आपका मेटासेंट्रिक हाइट है, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्रिक हाइट है और ये आपका बोयंसिक हाइट है, बोयंस पॉइंट है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, जैसे ये फ्री लिक्विड सरफेस है और इसमें आपने आधा सा कुछ ऑब्जेक्ट डुबाया है, मान लीजिए सिलेंडर है, ठीक है, तो ज्योमेट्रिक सेंटर, तो इसका एक्चुअल जो इस पूरी बॉडी का जो सेंटर है वो आपका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया, ठीक है, वर्टिकल में समझते हैं फिर इंक्लाइंड करके समझाऊंगा,
ठीक है, ज्योमेट्रिक सेंटर में भी आपका यहाँ है, थोड़ा ऊपर आए, डिपेंडिंग की फ्लूड की डेंसिटी क्या है। ज्योमेट्रिक सेंटर मान लीजिए आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और जो बी होता है बोयेंसी का सेंटर, वो क्या होता है, जितना आपका डूबा हुआ पार्ट है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है, तो ये बी आ गया। एम क्या होता है, मान लीजिए इस, ये इसका एक्सिस है, इसको मैंने टिल्ट किया, ठीक है, ये हमारा सरफेस था, इसको एक्सिस मैंने टिल्ट कर दिया। टिल्ट करने के बाद टिल्ट इनिशियली बी आपका ये था और जी आपका ये था, ठीक है, ये आपकी लाइन इनिशियल थी। बट टिल्ट करने के बाद थोड़ा सा आपका इनिशियली मान लीजिए आपका ये था, ठीक है, और यहाँ तक आपका डूबा हुआ था, बट ये एक्स्ट्रा पार्ट और डूब गया, ठीक है, टिल्ट करने से। इस एक्स्ट्रा पार्ट के डूबने से जो बी है, सेंटर ऑफ जो डूबा हुआ पार्ट था, वो थोड़ा सा शिफ्ट करके राइट में आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से वर्टिकली अबव आप जब लाइन डालते हैं, तो जहाँ ये इनिशियल वाले एक्सिस को कट करता है वो आपका एम होता है, ठीक है, अब समझ आया। तो कंडीशन क्या है स्टेबिलिटी की, अगर ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव रहा, तो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मतलब कि जब हमने टिल्ट किया इसको, मान लीजिए इनिशियली जी यहाँ था और बी यहाँ था, टिल्ट करने के बाद बी इतना शिफ्ट हुआ कि ये जो कट कर रहा है इसको एम जी के अबाव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्टेबल है। बट ये इस तरह से बॉडी आपकी है कि वो यहीं पे शिफ्ट कर पाया और यहाँ पे कट कर गया, ठीक है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। चलिए देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट। देखा था ऊपर क्या था, अपना एम था, बीच में आपका जी था और नीचे बी था। मेटासेंट्रिक हाइट आपकी, इसको बोलते हैं जी एम, ठीक है। और ये हाइट हम कैसे निकालेंगे, ये टोटल हाइट क्या है, बी एम, ठीक है, बी एम माइनस ये वाली हाइट, ठीक है, बी जी। जी एम मैटर सेंट्रिक हाइट इज इक्वल टू बी एम माइनस बी जी। बी जी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका जी जो पॉइंट है वो बॉडी का ज्योमेट्रिक सेंटर है, और बी जो पॉइंट है वो जितना सबमर्ज पार्ट है बॉडी का उसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, तो ये तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक आप निकाल लेंगे। बी एम जो है, ये वाली जो हाइट होती है टोटल, ये आपकी होती है आई बाय वी, ठीक है, समझते हैं क्या है। आई क्या है, एरिया मोमेंट ऑफ क्रॉस सेक्शन एट फ्री लिक्विड सरफेस, एंड वी क्या है, वॉल्यूम समर्स, ये तो आपको पता है वॉल्यूम समर्स, ये समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका फ्री लिक्विड सरफेस है और ये आपका ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है जो कि आपका स्क्वायर शेप का है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर का, तो इस ये एरिया मोमेंट उस क्रॉस सेक्शन का निकालना है जो आपका यहाँ से कट कर दो, फ्री लिक्विड सरफेस से कट कर दो उस ऑब्जेक्ट को, फिर कट करने के बाद जो एरिया दिखेगा वो एरिया का आपको एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, और वो क्या लेना है, जो स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि मान लीजिए आपका रेक्टेंगल आया पोर्शन कट के, ठीक है, तो रेक्टेंगल आया तो इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा आपका, और इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो कम आएगा, दोनों में से जो कम आएगा वो आपको यूज़ करना है इसमें, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोन इज 3h/4 फ्रॉम इट्स अपेक्स, ठीक है, कोन की अगर बात करें तो यहाँ से 3/4 ऑफ इट्स एच, एच क्या है, टोटल इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, कई बार क्वेश्चन में यूज होगा रिपीटेडली। चलिए, ये आपका सेकंड चैप्टर था, उसका बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। कोई डाउट कोई क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, प्लस लाइव स्टार्ट एट द एंड ऑफ योर कम्फर्ट जोन, ठीक है, जो कम्फर्ट जोन आपका उसे बाहर आइए, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, सोने का ज़्यादा मन कर रहा है, तो इन सब से बाहर आइए और पढ़ाई का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। सारा मटेरियल स्टैंडर्ड तरीके से एप्लीकेशन में मैंने सेट कर दिया है, ठीक है, अरेंज तरीके से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, स्टे फोकस एंड डू वेल इन एग्जाम।